तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल केपीएम फैंटेसी एक्सपर्ट पर। और भाई आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूँ ड्रीम इलेवन ईसीसी टी10 लीग का दूसरा क्वालिफायर मैच। और भाई वैसे बात करें टूर्नामेंट का 94वां मैच है, और भाई इस क्वालिफायर के बाद सीधा फाइनल होगा। फाइनल में भाई एक टीम यहाँ पर पहुँच चुकी है ऑलरेडी, तो यहाँ पर इंग्लैंड एक्साई यहाँ पर फाइनल में पहुँच चुकी है, तो इंग्लैंड इलेवन पहुँच चुकी है। अब बेल्जियम और नीदरलैंड के बीच मैच है, जो ये मैच जीतेगा वो भाई फाइनल में पहुँच जाएगा। बात करें डेट एंड टाइमिंग की तो आप देख सकते हैं अब से यानी कि एक घंटे बाद ये मैच खेला जाएगा, यानी कि 5:30 पर इंडियन टाइमिंग के हिसाब से। वेन्यू की बात करें भाई आप देख सकते हो कार्टमा ओवल ग्राउंड स्पेन का वेन्यू रहने वाला है। और भाई ये स्टैट्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो आपको टीम बनाने को मिलेगी ना वो आपको काफ़ी मतलब हेल्प करेंगे ये स्टैट्स आपको, क्योंकि भाई जो फाइनल मैचेज होते हैं ना उनमें ये मान लो कि स्टार्टिंग से जो टीम खेलती आ रही है तो ऑलमोस्ट सभी प्लेयर थोड़ी थोड़ी परफॉर्मेंस दे देते हैं, तो जो बेस्ट प्लेयर पिक करना होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। और इसीलिए ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम आपको क्या करना है भाई, जो ये आपको टेलीग्राम चैनल दिख रहा है ना, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जो फाइनल अपडेट है फाइनल टीम है सब कुछ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो लिंक आपको मिल जाएगा। अगर भाई लिंक वर्क ना करे तो आप यहाँ से सीधा सर्च भी कर सकते हो केपीएम फैंटेसी एक्सपर्ट, ऐसे भाई आप हमारे चैनल पर ज्वाइन हो सकते हो। तो यहाँ पर आप बात करें अगर इनके टोटल वेन्यू पर मतलब इस वेन्यू पर टोटल जो भी मैचेज अभी तक कंप्लीट हो चुके तो आप देख सकते हो यहाँ पर 92 मैचेज कंप्लीट हो चुके, जिसमें से 40 मतलब बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने जीते, और 49 मैचेज यहाँ पर सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने जीते, और 3 मैच भाई यहाँ पर नो रिजल्ट में एंड हुए हैं। ठीक है, बात करें अगर पिच रिपोर्ट की तो भाई आर्टिफिशियल मैट फॉर्मेट पिच रहेगी, बाकी अभी है ना ये थोड़ी सी बैटिंग को थोड़ी सी हेल्प कर रही है यहाँ पर, क्योंकि ऑलमोस्ट हर मैच में आपको या तो 100 के आसपास या फिर भाई 100 से काफ़ी ज़्यादा ऊपर आपको स्कोर देखने को मिल रहा है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि भाई ये सेमीफाइनल मैच है और इस मैच में मैं आपको जैकपॉट विनिंग कराऊंगा। जैसा कि मैं अभी आपको ये जो क्वालिफायर मैच खेला जा रहा था इसमें भाई मैंने अभी आपको जो जैकपॉट विनिंग करवाई है, ठीक है, आप यहाँ से हमारी टीम देख सकते हो, यहाँ से हमारे वॉइस कैप्टन ने पॉइंट दिए, ठीक है, कैप्टन ने हमारे ने 2 विकेट लिए, काफ़ी अच्छे पॉइंट दिए, और एंडी रिस्टो ने यहाँ पर भाई विकेट ले लेके हमें मतलब एक तरह से बिल्कुल एक तरफा क्लीन स्वीप करवाई है। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो एमएलआर ने परफॉर्मेंस दी, और एम मुनी भाई सबसे डिफरेंशियल पिक था और सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर हमारे लिए साबित हुआ है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ भाई टेलीग्राम चैनल आप जरूर से ज़रूर जाके ज्वाइन कर लो। तो अब अगर बात करें दोनों टीम की लास्ट मैच की प्लेइंग 11 प्लस परफॉर्मेंस की, तो आप यहाँ से देख सकते हो जो अभी अभी मैच खत्म हुआ है उसके स्टैट्स भी आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। तो आप सोच सकते हैं यार आपके लिए कितनी मेहनत कर रहा हूँ, तो इतनी मेहनत के लिए यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो मुनीर मोहम्मद आप देख सकते हो 31 रन बनाए, आजीज मोहम्मद रन नहीं बना पाए लेकिन 2 विकेट ले गए और काफ़ी इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस देखे गए। हमारे कैप्टन थे अली राजा को भाई मैंने ड्रॉप किया और ड्रॉप करने का रिस्क लिया और काफ़ी कामयाब रिस्क रहा, सिर्फ 4 रन बनाए। शहरी बट ने 11 रन बनाए, साबिर जाखिल हमारी टीम में थे 15 रन बनाए, ठीक है, शेख सिराज को मैंने ड्रॉप किया 0 रन, वकास राजा भाई किसी की भी टीम में नहीं था, ऑलमोस्ट ये मान लो कि इसका सिलेक्शन 17% था, तो ये हेड टू हेड मैचेज में हमें कहीं पर भी नहीं दिखा। ठीक है, खालिद अमजाई भाई ये भी हमको कहीं पे भी नहीं दिखा, एक भी कॉन्टेस्ट में हमें नहीं दिखा। मुरीद एकार्मी भाई एक भी विकेट नहीं लिया, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपके लिए बॉलर होने वाला है, इसको आप अगले मैच में जरूर से जरूर ट्राई करना। साथ ही भाई फाइम बट्टी भी इंपॉर्टेंट है, अदनान रज्जाक से ना तो ओवर करवाए गए और भाई बैटिंग इनकी काफ़ी लेट आई तो एक ही रन बना पाए। बात करें यहाँ पर अगर नीदरलैंड एक्साई की लास्ट मैच की प्लेइंग 11 प्लस परफॉर्मेंस की, तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो इनके मतलब मेन परफॉर्मर है वो भाई इनके ओपनर है। देखो यहाँ से भाई बात करें अगर क्लाइटन लॉयड की, तो फ्लॉयड की, तो आप देख सकते हो 83 रन बनाए भाई, साथ ही कंप्लीट 2 ओवर डालता है हर मैच में, कंटिन्यूसली 2 ओवर डालता है, तो आपके लिए जैकपॉट प्लेयर ये साबित हो सकता है। तो इसको आप स्मॉल लीग ग्रैंड लीग हर जगह कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो। मूसा अहमद काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर है, लगातार मतलब 2-3 मैच में परफॉर्मेंस नहीं आई लेकिन काफ़ी अच्छा प्लेयर है और आपको परफॉर्मेंस दे सकता है। बात करें बोरिस गोरिल्ली की, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रैन कलेन भाई बैटिंग बॉलिंग दोनों पॉइंट ऑफ आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, वी लबर की बात करें तो इसकी भाई बैटिंग बॉलिंग आई नहीं, ना ही आर अल्फांसो की आई, आर अल्फांसो को आप ट्राई मत करना, वी लबर्स को आप ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो। सेबेस्टियन ब्राट भाई 2 विकेट लेके गए और हमारा वॉइस कैप्टन था इस मैच में और भाई काफी अच्छे हमें जैकपॉट विनिंग करवाई। कैप्टन हमारा यहाँ पर क्लाइटन फ्लॉयड था, इसने भाई जैकपॉट विनिंग करवाई। और यहाँ पर सभी लोग भाई आतिफ महमूद के साथ गए थे, जिन्होंने मतलब जिसे वॉइस कैप्टन बनाया था लोगों ने, और भाई हम यहाँ पर सेबेस्टियन ब्राट के साथ गए और एक तरफा यहाँ पर अल्ट्रा क्लीनशिप कराए। बात करें ओलिवर एलमंस की, तो भाई इसको बैटिंग ऑर्डर में थोड़ा ऊपर भेजा जा सकता है, तो इसको ग्रैंड लीग में ट्राई कर लेना। बात करें जूलियन डे मे की, तो इसने 2 ओवर की गेंदबाजी की, हालांकि विकेट लेस रहे। सारी अहमद ने 1 विकेट निकाला और विव किंगमा जो हमारा जैकपॉट प्लेयर था, ये भाई मैंने आपको ऑप्शन में मतलब बिल्कुल 3-4 बार मैंने टेलीग्राम पर आकर बोला कि भाई विव किंगमा को ट्राई कर लो, कर लो भाई विव किंगमा को ट्राई, रिस्की पिकअप बट आपको एक तरफा विनिंग करवा देगा। और भाई जिसने मतलब विव किंगमा को ट्राई किया ना उसकी अभी मैं आपको परफॉर्मेंस दिखाता हूँ।
एक मिनट भाई, यहाँ पर आप देखो, ये भाई हमारा एक सब्सक्राइबर है, इसने भाई व्यू किंगमा को ट्राई किया और आप परफॉर्मेंस देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर इसने ट्राई किया, यहाँ पर इसने ड्रॉप किया, तो दोनों में आप देख सकते हो डिफरेंस कितना ज़्यादा है, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ व्यू किंगमा को आप ट्राई कर लेना, ये रिस्की पिक फिर से रहेगा, क्योंकि ये इसका पता क्या है भाई, या तो ये विकेट लेगा नहीं, और विकेट लेगा ना तो आपको मतलब 2 से 3 विकेट निकाल कर देगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, यहाँ पर जो फाइनल प्रिडिक्शन होती है, जो लास्ट के 1-2 मिनट में होती है, वो भाई सबसे इंपॉर्टेंट होती है, और वो प्रिडिक्शन सिर्फ और सिर्फ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो ऐसे भाई दोनों टीम्स की बात हो गई, भाई एक बार ड्रीम इलेवन पर जाके देखते हैं कि मैच ओपन हुआ है नहीं हुआ है। तो एक बार अगर ओपन हो गया भाई, अब यहाँ पर मैं आपको एक डेमो टीम बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ऐसे अली राजा को आप ट्राई कर लेना, आर अल्फांसो कोई बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर, भाई मूसा अहमद काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और एम मुनी भी इंपॉर्टेंट है, बारिश गोरेली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्रेडिट इशू आ सकता है, तो क्रेडिट इशू आएगा तो भाई हम फिर से देखेंगे कि किसको लेना किसको नहीं लेना। अदनान रजाक को आप ग्रैंड लीग में ट्राई करो, स्मॉल लीग में ट्राई मत करना। इसके अलावा वी लवर्स को भी आप ग्रैंड लीग में ट्राई करो। क्लाइटन फ्लॉयड आपकी टीम में होने होने चाहिए। साबिर जाकिर को आप चाहो तो रख सकते हो, चाहो तो ड्रॉप करते हो। सेबेस्टियन बरात आपकी टीम में होना चाहिए, और भाई बी अजीज मोहम्मद हमारी टीम में जरूर रहेंगे। इसके अलावा भाई के अहमदजाई को भी आप ट्राई कर सकते हो, इससे आपके क्रेडिट थोड़े से मैनेज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये भाई यहाँ से मैंने अभी टीम बनाना स्टार्ट किया, अभी आप देखो क्या क्या करते हैं। आर क्लाइन भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर इसको लेंगे तो भाई फिर क्रेडिट इशू हमें फेस करना पड़ेगा, पहले हम बॉलर चूज करते हैं। तो यहाँ से विव किंगमा हमारी टीम में हो गए, ठीक है। मुरीद एकार्मी और यहाँ से वकास राजा, इन दोनों में से वकास राजा लास्ट मैच में 3 विकेट लेके गए, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर है, आप इसको ट्राई कर सकते हो। और अगर भाई आप यहाँ से एस अहमद को ट्राई करते हो तो आप फिर यहाँ से आर क्लाइन को ट्राई कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा रिस्की पिक होगा, या तो आप मतलब मुरीद एकार्मी को पिक नहीं कर पाओगे, ना ही फाइम भट्टी को पिक कर पा रहे, तो ये थोड़ी सी मतलब आपके लिए दिक्कत होने वाली है। तो अगर भाई आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो तो आप यहाँ पर सारिज अहमद के साथ जा सकते हो, जिसने लास्ट मैच में भी विकेट निकाला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाला है। और आर क्लाइन भाई नंबर 4-5 पर बैटिंग करेगा, साथ ही कंप्लीट 2 ओवर की गेंदबाजी भी करके दे सकता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए प्लेयर रहने वाले हैं। और कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो कैप्टन यहाँ से भाई आप क्लाइटन फ्लॉयड को बना सकते हो, वाइस कैप्टन भाई अजीज महमूद होने वाले हैं। और एक डिफरेंशियल की बात करें तो यहाँ पर सेबेस्टियन बरात आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। और इसके अलावा भाई ग्रैंड लीग की बात करें तो अली राजा को आप कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर लेना, ठीक है। तो ये भाई मेरी फाइनल टीम है, एक बार मैं आपको प्रीव्यू दे देता हूँ। तो ये भाई मेरी फाइनल टीम है, इस टीम के साथ मैं जाने वाला हूँ। अगर भाई इनमें से कोई प्लेयर नहीं खेलता तो उसकी भी अपडेट आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आपको सारी फाइनल अपडेट मिलने वाली है। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।